स्टूडेंट्स निम्स एकेडमी की तरफ से सीएस वर्ल्ड का जो यूट्यूब पे चैनल बनाया गया था उसमें मैं हूँ हमजा मुश्ताक और आज हम फोटोशॉप के लेक्चर 6 में जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इमेज की जो हमारा फेस होता है उसको किस तरह से हम ब्राइट करते हैं और उसमें जो पिंपल्स वगैरह होते हैं या उसमें जो दाग धब्बे होते हैं या दाने वगैरह बने होते हैं उनको किस तरह से ख़त्म करते हैं। ओके जी, तो बगैर किसी वेट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने वर्किंग करनी है। तो उसके लिए मैं डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए थे, आप फाइल्स में जाके ओपन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या आप सिंपल ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स से आप अपने रिक्वायर्ड जगह पर जाके वहाँ से पिक्चर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट क्या करने लगा हूँ, यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड में चला जाता हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा इमेज है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसमें हमने अपने जो ये मेरे पास जो भी मॉडल हैं इनकी पिक्चर के ऊपर चेहरे के ऊपर देखें तो बहुत सारे दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम आज ख़त्म करेंगे और इसको एक खूबसूरत सी लुक देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो ये आपको टूल बार मैंने बताया था और यहाँ पे आपको कोई भी टूल जिसमें यहाँ पे देखें आपको एक छोटा सा एरो यहाँ पे बना नज़र आता है, इसको एक्सेस करने के लिए आपने जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा और इसके अलावा मैं जो भी बटन वगैरह प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सा बटन प्रेस किया जा रहा है। ले जी, आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हम हीलिंग ब्रश टूल डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे टूल्स में पहले जो मेरे पास कॉलम है इसमें चौथे नंबर पे ये टूल नज़र आ रहा है, मैं आपको हीलिंग ब्रश टूल है जी इसको ले लेना है आपने यहाँ से और यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो काम करना है, कोई भी आपने इमेज ओपन करना है उसकी आपने डुप्लीकेट लेयर बनानी है। सॉरी, मुझे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कॉपी बनानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसकी कॉपी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये सिंपल आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपको ये बन जाएगा। ओके, तो इसमें आपने जस्ट करना क्या है, ये देखें मैं ये मेरे पास ब्रश स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं जैसे ही इसको किसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है आल क्लिक टू रिफाइन सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। यहाँ पर हमने रिपेयरिंग में जो चीज़ हमने यूज़ करनी होती है वो ये कि हम चेहरे का कोई भी एक हिस्सा लेके उसको कॉपी करके किसी दूसरे एरिया पर पेस्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एरिया डिफाइन करना होता है कि आप कहाँ से सैंपल लेंगे। कोशिश करें जहाँ पे आपका पिंपल है उसके करीब करीब जो आपको सही इमेज या सही जगह नज़र आ रही है वहाँ से आपने सैंपल लेना है और उसके लिए आपने आल्ट को पहले प्रेस करना है। सबसे पहले मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं अपनी लेयर के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पर लेयर वन के ऊपर मैंने काम करना है और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट है। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इस एरिया पे आता हूँ, इस एरिया से मुझे ख़त्म करने हैं ये पिंपल्स वगैरह, तो आल्ट को प्रेस करके आपने सबसे पहले सैंपल लेना है। जस्ट मुझे ये वाला एरिया ज़रा साफ़ लग रहा है, मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये मेरा एरिया यहाँ से सैंपल हो चुका। अब देखें ये वाला जो एरिया मुझे नज़र आ रहा है, मैं जिसके ऊपर जैसे ही ला के मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँ, आप ये जो ब्रैकेट्स हैं उनसे ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर ला के जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखें वो वहाँ से पिंपल गायब हो चुका है, सेम है, और यहाँ से ये मेरा पिंपल यहाँ से भी गायब हो चुका है। इस तरह मैं आल क्लिक करके यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ और मैं इसको ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा करके यहाँ से ठीक है जी, इसी तरह आल से यहाँ से ये सैंपल ले लूँगा, आल क्लिक करके यहाँ से सैंपल लिया, सेम है, और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है जब भी आप कोई पोजीशन चेंज करो तो आप नया सैंपल लो। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे आप किसी जगह से सैंपल लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जगह से मैंने सैंपल लिया, तो सैंपल लेने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं मूव करूँगा आप देखो आपको ऊपर वो छोटा सा जहाँ से सैंपल लिया था वहाँ से निशान नज़र आ रहा है, और जब ये नीचे प्रेस करते जिसको मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको मूव करने के साथ साथ वो वहाँ से साथ वाले एरिया को टारगेट कर रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप सैंपल लें तो आप इसको बार बार सैंपल लेते रहें और बार बार जहाँ से आपने रिमूव करना है वहाँ से आपने सैंपल लेना है करीब वाली जगह से। तो चलें जी, इस साइड से अब हम चिन को थोड़ा सा देख लेते हैं, आल्ट क्लिक करके ये मेरा एरिया मुझे थोड़ा सा साफ़ लग रहा है
और यहाँ से मैं सैंपल ले लेता हूँ। मैं साथ साथ आल्ट प्रेस करके सैंपल भी ले रहा हूँ। चलिए जी, चिन का एरिया भी तकरीबन हमने साफ कर लिया है। आप इसी तरह से आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं या डिफरेंट दाने वगैरह बने होते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ से क्रीव वाले एरिया से सैंपल लेके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपने डॉट को ख़त्म करना है आपने उस क्रीव वाली जगह से ही सैंपल लेना है। ओके जी, यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ही ख़राब नज़र आ रहा है, तो इसको रिपेयर करने के दो तीन मेथड्स हैं। पहला तो मेथड मैं यही यूज़ करूँगा, मैं यहाँ से आल्ट क्लिक करके तो सैंपल ले कर यहाँ पर कर लेता हूँ जिस तरह से। से इस एरिया पे आ जाते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो गया। ओके जी, तकरीबन मुझे लग रहा है हमने काफी हद तक फेस को साफ कर लिया है। नाक पे ये थोड़े से डॉट्स रह गए थे, इनको भी ठीक कर लेते हैं। लिप्स के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा एरिया खराब नजर आ रहा है। ओके जी, तो देखें हमने अपनी इमेज को काफी हद तक साफ कर ली है। ये हमारा ओरिजिनल इमेज था और ये हमारा वो इमेज है जिसको हमने रिपेयर किया। ओके जी, इतना काम करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो स्किन की रीटचिंग का काम आता है। स्किन रीटच करने का मतलब है स्किन को स्मूथ करना और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करना। तो जो एडवांस टेक्निक है ना इसकी, वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा, जो कि आपको थोड़ा सा इसके साथ जब हो ना हो जाएगा तो उसके बाद। नेक्स्ट के लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करनी है। मैं जस्ट एम्प्टी लेयर क्रिएट करूँगा, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एन। ठीक है, यहाँ पे आपने लेयर का नाम लिख लेना है, क्योंकि अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा ब्रश चला के इसको स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ पे स्मूथ इसका नाम रख लेता हूँ। एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज वर्क जब आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप साथ साथ लेयर्स जितनी चाहें क्रिएट कर सकते हैं और उनको साथ साथ आपने नेम देते जाना है। तो मैं यहाँ से ब्रश चलाने लगा हूँ, तो मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने कलर सिलेक्ट करना है। कलर सिलेक्ट करने के लिए जैसे आप इसके ऊपर आपका ये जो आपको फॉरग्राउंड कलर नज़र आ रहा है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पैनल नज़र आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ से इससे मिलता जुलता स्किन से कलर लेना है, तो मैं यहाँ से इसका सैंपल कलेक्ट करूँगा और ओके कलेक्ट कर दूँगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो आपका यह है कि आपने यहाँ से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी जो है उसको कम कर देना है, तकरीबन बहुत ज़्यादा कम कर देना है, तकरीबन 15 पे कर लें। और यहाँ से आपने ब्रश पैनल्स में आके जो ब्रश सेलेक्ट करना है वो आपने कोई स्मूथ सा ब्रश ले लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं इस तरह का ये जो ब्लर्ड सा ब्रश है ये वाला ब्रश ले लेता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है। साइज़ बड़ा करने के लिए आप सिंपल इस यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं भी राइट क्लिक करें तो यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, यहाँ तक काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है जी, ओके जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा पेंट करूँगा स्किन के ऊपर। अगर आप कहीं भी काम करते वक्त फॉर एग्जांपल मुझे कहीं भी स्किन टोन थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आए, जैसे आप चेक कर सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे स्किन का जो कलर है यहाँ पे डिफरेंट है और ये फेस का कलर डिफरेंट, इस ना यहाँ पे हमारे पास जो आँखों के नीचे हल्के हैं इनका कलर डिफरेंट है, तो जब भी हमें कोई रिक्वायर्ड सैंपल लेना है तो आप फ़ौरन जैसे ही आल्ट क्लिक करोगे तो ये आपके पास कलर पिकर टूल आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कहीं भी क्लिक करोगे तो इस जगह पे आप देखें यहाँ पे फ़ौरन कलर चेंज होता जा रहा है। तो कहीं भी आपको सैंपल कलर लेना हो तो आप जस्ट आल्ट ब्रश टूल को सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर डिटेक्ट कर लेगा। तो लें जी, मैं यहाँ से पहले यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सॉफ्टली ब्रश को चलाऊँगा इसी तरह यहाँ से थोड़ा सा। आपने इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम रखनी है, आप मैं इसकी थोड़ी सी अगर ओपेसिटी बढ़ा लूँ तो मुनासिब रहेगा।
यहाँ से इस तरह से आपने इसके ऊपर फेस के ऊपर पेंट करते जाना है। आपको कहीं भी आपको पता चल जाए कि आपने थोड़ा सा गलत सैंपल लेके गलत पेंट कर दिया है तो आपने फ़ौरन यहाँ से हिस्ट्री में आपके आके बैक भी जा सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। नोज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर है, इस एरिया पे थोड़ा सा ब्रश चलाएंगे, चिन के एरिया को ठीक करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पिक्चर्स बनवाते हैं तो एक ही स्किन टोन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपने मल्टीपल सैंपल्स को ले लेना है। आ जाए जी, ये माथे को देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं सबसे पहले यहाँ पे सैंपल कलर लेके इसके ऊपर पेंट करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके। आंखों के नीचे हलकों के लिए भी आपने ब्रश का साइज़ छोटा कर लेना है और इस तरह से आपने इसको आंखों के नीचे और इस तरह से पेंट करते रहना है जिससे हमारी जो स्किन है वो तकरीबन बेहतर हो जाएगी। मैं यहाँ पे और ब्रश करूँगा ताकि ये आपने इतना ज़्यादा ब्रश को एक जगह पे ही नहीं चलाते रहना कि वहाँ की डिटेल्स ही ख़त्म हो जाएं और हमें बाद में पता भी ना चले। जी नेक पे आते हैं, नेक के लिए मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और तकरीबन मैं फेस से मिलता जुलता कलर ले लेता हूँ और ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लूँगा ताकि या जब मैं इसको नेक पे चलाऊँ तो ये थोड़ा सा और ना लगे। इस तरह से मैं इसके ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पेंट कर देना है, थोड़ा सा पेंट करेंगे। ओके जी, तो तकरीबन ये देखें, ये मेरा इमेज पेंट करने के बाद है और ये पेंट करने से पहले था। तो हमने तकरीबन काफ़ी हद तक स्किन को स्मूथ किया है। इसके अलावा हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा पास कुछ एरिया है जहाँ पे मेरा पेंट जो है वो ये बालों के ऊपर भी पेंट हुआ है, इधर भी देखें एक्स्ट्रा गया हुआ है। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है, शॉर्टकट उसका ई है, या आपने यहाँ से टूल्स में जाके यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, आपने जस्ट इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ब्रैकेट को प्रेस करके, या फिर आप यहाँ से जाके कहीं भी राइट क्लिक करके भी इसका ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो मेरा जो जो एक्स्ट्रा एरिया था मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जिस एरिया पे मैंने ब्रश नहीं था चलाना वहाँ चला हुआ है। तो यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो काम है, मैं चाहता हूँ इसको और ज़्यादा स्मूथ करूँ, तो यहाँ पे आपने इस तरफ आ जाना है, ये इरेजर टूल के बिल्कुल नीचे ब्लर टूल है, आपने ब्लर टूल के ऊपर आ जाना है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आपने यहाँ से लेयर जो है इसी लेयर के ऊपर आके वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट करेंगे। साइज़ आपने रेलिवेंट रखना है, ना छोटा साइज़ हो ज़्यादा ना ही बड़ा हो। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्के हल्का हल्का आपने करना है, जिस एरिया पे आपको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है स्मूथनेस की और बहुत ज़्यादा रफनेस है वहाँ पे आपने इस तरह से इसको कर देना है जी स्मूथ। ओके, आ गई है लिप्स की बारी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारी लिप्स की करेक्शन है वो मैं बहुत जल्द ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इससे पहले आपने जस्ट क्या करना है, आप लिप्स को करेक्ट करने के लिए जस्ट क्या करें, यहाँ से लैसो टूल को ले लें और लिप्स का जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह से मैं लिप्स के एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा, थोड़ी सी रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। और आप चाहें तो फेदर में जाके फेदर 1% ऑन कर सकते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ था कि फेदर क्या होता है। मैं यहाँ से मल्टीपल, ये थोड़ा सा एरिया छूट गया है तो मैं यहाँ से यहाँ पर ये मल्टीपल में आके क्लिक करके दोबारा से जो मेरा एरिया थोड़ा सा छूट गया था उसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा, नहीं जी सिंपल सा हो गया। ठीक है, यहां से इतने एरिया को सिलेक्ट करके आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और लेयर वाया कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि ये हमें एक सेपरेट लेयर मिल जाए। ये इस लेयर के ऊपर आके अब आपने जस्ट क्या करना है,
कंट्रोल बी प्रेस करेंगे जिससे हमारा कलर बैलेंस वाला आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देखें तो रेड कलर है, तो मैं रेड कलर अगर थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँ तो बहुत ही खूबसूरत सा लिप्स का कलर यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। आप जिस तरह का चाहो लिप्स का कलर चेंज कर सकते हो। और सेम हेयर अगर यहाँ पे आप आइज़ का कलर भी चेंज करना चाहो तो जस्ट आप आइज़ को यहाँ पे अपनी ओरिजिनल लेयर पे वापस आके आइज़ को सिलेक्ट करके आपने आइज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा गो थ्रू करवा देता हूँ कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज था और इस इमेज को प्रोसेसिंग के बाद हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको लगे कि आपके इमेज की डिटेल्स ख़त्म हो रही हैं तो उसके लिए भी आप इस यहाँ से लेयर्स में जाके ये जो हमने यहाँ पे ब्रश चलाया था इस एरिया पे ये ब्रश चलाया हुआ है तो यहाँ से आप जाके इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। मैं यहाँ से स्मूथनेस वाली पे जाके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा जिससे मेरी थोड़ी बहुत डिटेल्स वापस भी आ सकती हैं। तो इस तरह से आप देखें हमने किस तरह से बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक जो इमेज थी उसको हमने कितने ही खूबसूरत तरीके से ये वाले इमेज को ट्रांसफॉर्म किया है इस तरह से। तो आज इस तरह से आप भी अपनी पिक्चर्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी डिफरेंट टूल्स हम इंशाल्लाह सीखेंगे, कलर करेक्शन भी सीखेंगे, किस तरह से हम जब बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो उसके हम कलर्स को ठीक कर सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।